गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक्स इंटरनल एनर्जी। बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट एनर्जी इन विच वी फर्स्ट टॉक्ड अबाउट इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देन आफ्टर एनर्जी इन ट्रांजिट और ट्रांजिट एनर्जी। सो वी डिस्कस्ड अबाउट इंटरनल एनर्जी एंड आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट heat and work. So we are going to discuss more about heat and work today. So the whole basic thermodynamics is all about heat and work. So we are going to discuss about these in upcoming lectures also. So for today we are just going to talk a little about these topics. Let's see how much we can cover. So energy in transit mein हमने देखा हमारे पास दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फर्स्ट इज हीट एंड अदर इज वर्क। इसको आप ट्रांजिट एनर्जी बोल सकते हो और एनर्जी इन ट्रांजिट भी बोल सकते हो। सो हमारे पास दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया, जिनको एनर्जी इन ट्रांजिट के अंडर हीट एंड वर्क। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे, हम फिर से एक और बार डिस्कशन कर रहे हैं, देखते हैं इसको एक और बार। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जीज, एक हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में था, स्टोर्ड फॉर्म की हमने बहुत अच्छे से बात कर ली थी। सो जो ट्रांजिट में है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसकी तरफ हम देख रहे हैं। ट्रांजिट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो देखते हैं क्या है। ट्रांजिट एनर्जी आर रिकोगनाइज वेन दे क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री को जब ये क्रॉस करेंगे तब हमको इनके बारे में पता चलेगा, हम इनको रिकोगनाइज कर पाएंगे कि कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जब ये मतलब हम इनको रिकॉग्नाइज तभी कर पाएंगे जब ये सिस्टम की बाउंड्री से क्रॉस करेंगे, और जब क्रॉस कर रहे होंगे तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी इन ट्रांजिट तभी कहलाते हैं, हम इनको रिकॉग्नाइज ही तभी कर पाते हैं जब हम सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रखता हूँ। हमारे पास मान लो एक हॉट कप ऑफ टी है, ठीक है, हॉट कप ऑफ टी है, इसको हमने सराउंडिंग्स में रखा। ये हॉट किसके रिस्पेक्ट में है? सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में है। सो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा। टी और टी सी लिख देते हैं, टी एच एंड टी सी। सो जब इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है सो ऑब्वियसली एक टेंडेंसी होगी, जो इसके पास एनर्जी है वो बाहर की तरफ फ्लो होगी, बाहर की तरफ फ्लो होगी। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप अगर बाहर पर यहाँ बाहर इसके जो आपका कप है इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। आप थोड़ी देर बाद ऐसा देखोगे, थोड़ी देर बाद ये कप का टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर गिर जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है आप इसको कैसे फील कर सकते हो? आप यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट रखो या फिर यहाँ पर आप कोई और ऑब्जेक्ट रख सकते हो या फिर आप थर्मोमीटर रख सकते हो और उसकी रीडिंग में चेंजेस आप देख सकते हो कि उसकी रीडिंग में चेंजेस आ रहे होंगे, या फिर आप अपने हाथ से ही फील कर सकते हो कि यहाँ से कुछ एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ आ रही है जिसकी वजह से आपका जो जो भी सिस्टम है, आपका जो हाथ है उसमें आपको आपके टेम्परेचर में आपको इंक्रीज फील हो रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अपने हाथ का, यहाँ पर टेम्परेचर आपको फील हो जाएगा, ठीक है। सो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपको इसकी फीलिंग तभी आ रही है जब ये अपने सिस्टम से क्रॉस कर रहा है, मतलब अपनी सॉरी सिस्टम अपनी ये जो हमारी एनर्जी है वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है, सिस्टम की बाउंड्री ये है। सो हीट यहाँ से भी फ्लो करेगी, यहाँ से फ्लो करेगी, एनर्जी जो है वो यहाँ से फ्लो करेगी, हर डायरेक्शन से फ्लो करेगी जिस जिस डायरेक्शन में उसे टेम्परेचर डिफरेंस दिखेगा, टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा। सो ये आपको तभी इनके बारे में पता चल रहा है जब ये सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, ओके? इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे उस दिन हमने पिस्टन के बारे में ही पढ़ा था। सो इसके अंदर अगर हाई प्रेशर गैस रखी हुई है, हाई प्रेशर अगर गैस है तो वो क्या करेगी? हाई प्रेशर गैस रखी हुई है,
मतलब यहाँ का प्रेशर पी इनसाइड इज ग्रेटर देन पी आउटसाइड, तो क्या होगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये जो चीज है जो गैस है हमारी, ये इसको धक्का मारेगी, इस पिस्टन को धक्का मारेगी, और ये पिस्टन आगे मूव करेगा, ये पिस्टन आगे मूव करेगा। तो जब ये मूव कर रहा है तो आपको ये दिख रहा है कि ये मूवमेंट हो रही है, इस पिस्टन की मूवमेंट हो रही है। सो ये जो बाउंड्रीज है सिस्टम की बाउंड्री तो आपकी पिस्टन है, और ये पिस्टन क्या कर रहा है, अगर इसके सामने कोई और ऑब्जेक्ट होता, तो वो क्या करता, इस ऑब्जेक्ट को आगे मूव कर देता। तो आप यहां पर ये देख रहे हैं कि जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम की बाउंड्री है, सिस्टम की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर की तरफ को कोई एनर्जी, कुछ चीज ऐसी है जो बाहर चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है, तो जिस चीज के अंदर एबिलिटी होती है कुछ चेंजेस कॉज करने की, हम उसको एनर्जी बोलते हैं। तो आपको यहां से भी ये पता चल रहा है कि हमारी एनर्जी जो है सिस्टम से बाहर जा रही है। आप इसको रिकॉग्नाइज तभी कर पा रहे हो जब सिस्टम से बाहर ये जा रही है, आप इसको रिकॉग्नाइज तभी कर पाओगे, वरना रिकॉग्नाइज कभी नहीं कर पाओगे। अगर यहां पर अगर आपके जो सिस्टम है इसके बाहर कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसको ये मूव कर रहा है, आपको वर्क के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाएगा। तो आपको वर्क के बारे में, इस एनर्जी ट्रांसफर के बारे में तभी पता चलेगा जब ये सिस्टम से आपको बाउंड्री क्रॉस सिस्टम से एनर्जी को क्रॉस करते हुए आप देखेंगे, एनर्जी को बाउंड्रीज क्रॉस करते ही देखेंगे सिस्टम की। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चल के और डिस्कशन करने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल आप लोग इतना समझें कि हीट हमारे पास जो एनर्जी इन ट्रांजिट है उनके बारे में हमें तभी पता चलता है जब वो सिस्टम की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। सो अब हमने इसके अंडर दो फॉर्म ऑफ एनर्जी देखनी है, पहला हीट और दूसरा वर्क। हीट और वर्क को हम देखते हैं। हीट वर्क इन ये दोनों हमने पढ़े हैं स्कूल लेवल पे, पर अब यहाँ पे हम थोड़े और हायर लेवल की तरफ जाना है हमने। तो अब देखते हैं, पहला हम एनर्जी, आज हम एक छोटा सा ग्लिम्स लेंगे इन दोनों के बारे में, हीट क्या होती है और वर्क क्या होता है। इसके बाद हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमको और भी पढ़नी है। सो पहले हीट की तरफ देख लेते हैं। हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड। हमेशा याद रखना, जब आप हीट और वर्क की बात करोगे तो इनका ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर। आप कभी भी ये नहीं कहोगे हीट ऑफ अ सिस्टम और वर्क ऑफ अ सिस्टम, ये कभी कहा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल ही गलत टर्म होगा, इसको कभी आप बोल ही सकते, क्योंकि हीट और वर्क को आप तभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे जब वो सिस्टम से क्रॉस कर रहे हैं, अदरवाइज वो जो एनर्जी है सिस्टम के पास उसको इंटरनल एनर्जी ही बोलोगे आप। सो हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम्स बाई वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो सिस्टम्स के बीच में, जैसे कि हमने यहां पर बात करी, दो सिस्टम्स के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो उनके बीच जो एनर्जी ट्रांसफर होने वाला है वो होगा हीट। उनके बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होने वाला है वो है हीट। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर के लिए जो आपको ड्राइविंग फोर्स चाहिए वो क्या है, आपका टेम्परेचर डिफरेंस। सो हीट की हमारे पास एक डेफिनेशन नहीं है, एक डेफिनेशन और आती है हीट की, वो एंट्रोपी के टर्म्स में होती है, मैं आपको वो जब एंट्रोपी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। सो हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, अब वर्क की तरफ आते हैं, वर्क क्या है उसकी तरफ आते हैं। एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एक्सेप्ट हीट इज नोन एज वर्क, कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हीट ट्रांसफर के अलावा कोई भी एनर्जी ट्रांसफर वर्क कहलाता है, वर्क ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सो अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए, हीट ट्रांसफर के अलावा कोई भी एनर्जी ट्रांसफर अगर हो रहा है वो वर्क ट्रांसफर है। उसके बाद वर्क ट्रांसफर के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने यहां पर दो फॉर्म लिखे हैं, इलेक्ट्रिक वर्क और शाफ्ट वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब है कि देखो, जब करंट फ्लो करता है तो एक एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, सो इसको हमने इलेक्ट्रिक वर्क नाम दे दिया।
तो हमने हीट को अलग ही कैटेगरी दे दी, और जो हमारा वर्क है हीट के अलावा सबको हमने एक अलग कैटेगरी इसलिए दी है, सबको अलग कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है और बाकी जो वर्क होता है वो हाई ग्रेड एनर्जी होती है, इसलिए सारे वर्क्स को हमने जितने भी टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं उनको हमने एक कैटेगरी में रखा है। ठीक है, मतलब हीट ट्रांसफर के अलावा जो भी एनर्जी ट्रांसफर होता है वो सब हाई ग्रेड होता है, तो इसलिए उनको एक अलग कैटेगरी में रखा है। हाई ग्रेड लो ग्रेड के बारे में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, बट मैं आपको जनरली इसको इस तरीके से कैटेगराइज क्यों करा जाता है मैं आपको ये बताना चाह रहा था। सो इलेक्ट्रिक वर्क ये इस तरीके से हो गया, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी आप करंट का फ्लो जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो तभी फील कर पाओगे जब वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगी। अगर वो एक जगह स्टोर्ड है आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है। आप हमेशा बोलते हो आपने चार्ज को स्टोर किया है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं किया है, चार्ज को स्टोर किया है। इलेक्ट्रिसिटी तभी रोल में आती है जब वो कहीं से फ्लो करती है। इसी तरीके से शाफ्ट वर्क का मतलब जब कोई शाफ्ट रोटेट कर रहा है तभी ये कुछ वर्क कर सकता है, मतलब किसी और बॉडी को रोटेट करवा सकता है या फिर कोई और बॉडी इसको रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो अब हम एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी के से रिलेटेड उसको पढ़ने वाले हैं, इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड। सपोज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए वायु वगैरह में भी लोगों का फेवरेट टॉपिक ही थर्मोडायनेमिक्स होता है, तो इससे आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं। सपोज वी हैव अ एन इंसुलेटेड रूम और चैम्बर इन विच वी हैव अ कैंडल सो इनिशियली हमने जो कैंडल है उसको बर्न नहीं किया है। सो इनिशियली द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस रूम हैज एयर ऑल्सो इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस रूम नाउ कंप्राइजेज ऑफ दिस कैंडल इज हैविंग एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ वी कैन से इंटरनल एनर्जी ऑफ द कैंडल प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑफ एयर। ओके, जो दो ये रूम की जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो कैंडल और इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर पर डिपेंड कर रही है, ये इन दोनों का समेशन है। सो जो इंटरनल एनर्जी ऑफ कैंडल है उसको अगर आप देखना चाहो तो ये है क्या एक्चुअल में, इसमें होता क्या है, कुछ एनर्जी केमिकल फॉर्म में स्टोर्ड होती है और जब आप इसको बर्न करते हो तो जो इसकी केमिकल एनर्जी है वही हीट में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। तो थोड़ी देर के बाद अगर हम ये देखें, जब कैंडल पूरी बर्न हो गई, कैंडल पूरी बर्न हो जाएगी तो क्या होगा, तो अभी जो इंटरनल एनर्जी है हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास जो है इंटरनल एनर्जी वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में है। और अब जब ये बर्न होना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, ये बर्न होगा तो रूम की एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो एयर है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं फॉर एयर इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसको हम आगे प्रूव करेंगे देखेंगे। इसकी ये पता होना चाहिए हम लोगों को, एयर आइडियल गैस, हम एयर को ट्रीट करते हैं, सो फॉर आइडियल गैसेस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, सो इन दिस केस इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर इज इंक्रीजिंग। सो वट अबाउट दिस कैंडल, इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस कैंडल इज गेटिंग कन्वर्टेड नाउ इन व्हाट फॉर्म, द केमिकल एनर्जी ऑफ दिस कैंडल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट और इट्स बेटर टू यूज थर्मल एनर्जी।
ओके, थर्मल एनर्जी। सो केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू थर्मल। सो आफ्टर सम टाइम द व्हेन द कैंडल इज बर्न्ड, द होल केमिकल एनर्जी ऑफ दिस कैंडल हैज बीन कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी एंड इन रिजल्ट इट हैज रेज्ड द टेम्परेचर ऑफ एयर। एयर का टेम्परेचर इसने इंक्रीज कर दिया है। तो अब तो यहां पर हमारा जो कैंडल है वो तो खत्म होगी। अगर आप इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी देखना चाहो रूम की, तो क्या होगा, रूम की जो फाइनल एनर्जी है इंटरनल एनर्जी में, उसमें ये जो कंपोनेंट था इंटरनल एनर्जी ऑफ कैंडल, ये तो खत्म हो गया। बचा क्या, इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर, इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर बची, ये खत्म हो गया, ये बची। अब हमने यहां पर ये देखा कि हुआ क्या। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस केस में क्या रूम की इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस आएंगे। रूम की बात कर रहा है वो, एयर की बात नहीं कर रहा है। क्या रूम की इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस आएंगे, तो आप किस तरीके से बताओगे। अगर रूम से बाहर कोई एनर्जी नहीं गई और अंदर कोई एनर्जी नहीं आई, रूम की एनर्जी रूम में ही है, नो एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी अगर ट्रांसफर नहीं हो रही है तो रूम की इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी। बट रूम की इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहने वाली है क्योंकि रूम से कोई एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। बट हो क्या रहा है यहां पर, रूम के अंदर क्या हो रहा है। रूम के अंदर दो कंपोनेंट थे आपके पास, पहला जो कैंडल है, और पहला कैंडल था, दूसरा एयर था। कैंडल की जो केमिकल एनर्जी है या कैंडल की जो इंटरनल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई हीट में, वो खत्म हो गई, कैंडल खत्म हो गई। अब आपके पास केवल और केवल बचा है एयर, एयर बचा है। एयर ने क्या किया, जो हीट इस कैंडल से निकली थी वो हीट सारी एब्जॉर्ब कर ली। सो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसने सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली। सो यहां पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो एयर और कैंडल में आए, बट रूम की जो इंटरनल एनर्जी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप वहां पर क्लियर कर देना, इफ देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द रूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट विद इन द रूम देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। सो इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और आपसे वाइवा वगैरह में भी ये सब चीजें पूछी जा सकती है। सो हीट और वर्क के ऊपर हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के ऊपर हमारी पूरी थर्मोडायनेमिक्स है। सो फॉर नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज नोट देम डाउन, वी विल हैव अ वीडियो डिस्कशन। सो फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड थैंक यू।